हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर। मैं आपको आज बता रहा हूँ एप्पल लैपटॉप में कीबोर्ड चेंज कैसे होता है एप्पल लैपटॉप में। ये आपको मैं थोड़ा, वीडियो मेरा लेट से स्टार्ट हुआ है इसलिए मैं दिखा दूँ। ये हमने पुराना कीबोर्ड निकाला है। इसमें क्या होता है, सारा स्क्रू टाइप होता है। ये यहाँ पे स्क्रूज होते हैं, इसको निकालने के लिए सारे स्क्रू खोलने होते हैं। फिर ये एक यहाँ पे इसके थोड़े थोड़े आप देखोगे थोड़े थोड़े ना, इसको साफ क्या बोलते हैं, रिपीट टाइप होता है, जिनको हमें ये उखाड़ना पड़ता है रिपीट टाइप को, तब ये कीबोर्ड बाहर निकलता है। जिस वजह से आप देखोगे ये पुराने कीबोर्ड की हालत क्या होगी है। तो अब हम इसको पैक कर रहे हैं, नया कीबोर्ड हमने इसमें लगा दिया है, एप्पल A1466 मॉडल है ये। इसमें हमने आज कीबोर्ड चेंज किया है। बहुत छोटे छोटे स्क्रूज होते हैं एप्पल में, बहुत ध्यान से काम करने वाला होता है ये एप्पल वाला। जैसा आप देखें, ये हमने आपको इसमें कीबोर्ड पैक कर दिया है। ये आप देखोगे न्यू कीबोर्ड लगा दिया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये डबल डबल क्लिक करता था, Z X डबल डबल क्लिक होता था, जिस वजह से ये कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रखे थे। तो ये हमने इसमें कीबोर्ड पैक किया है, उसके ऊपर LED होते हैं, वो LED ये इसमें पुराने वाला ही लगेगा। ये इसका LED होता है। मिल ही रहा है। ये विंडो किसकी है सर?
हाँ जी ढाई। बोल ना, खोल लेते हैं उसके मेरा।